हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा के अंदर यदि आप चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से अपना बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी हैं, कितनी सीटें बाकी हैं, किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आप लोगों की जो फीस है वो क्या रहने वाली है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप अपना साल बचाना चाहते हैं, एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी रणवीर सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है जो कि 2014 से हरियाणा के अंदर रेगुलर अपना बीएड के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होगा यदि आप चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। यहाँ ये एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसका इंटरफेस है। कभी आपको यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिले तो आप देखोगे मेन गेट है, उसके ऊपर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये एक तोब यहाँ खड़ी कर रखी है मेन गेट के ऊपर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। आप लोगों को बताना चाहूंगा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर में लगभग लगभग 126 से 127 के आसपास कॉलेजेस हैं। सभी कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों के साथ नहीं हो पा रही है। बच्चे आसानी से अपना कोर्स कर पा रहे हैं और कोर्स करने के बाद अपनी जॉब को ज्वाइन कर पाते हैं। अब साथियों बात करेंगे कि यदि आप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो वहां कितनी सीटें अवेलेबल हैं। हमने एक डाटा उठाया है, इसके अंदर आप देखोगे कि ये बीएड से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों तक यहाँ शेयर की गई है कि भाई बच्चों को पता चल सके कि भाई कहाँ कितनी कैसे क्या सीट वैकेंट है। तो यदि हम बीएड कोर्स की बात करेंगे, जर्नल जो कोर्स होते हैं, यदि आर्ट के बच्चों की बात करें तो 8327 सीट होती हैं बीएड के अंदर आर्ट के बच्चों के लिए, जिसमें से 7065 सीटें फिल हो चुकी हैं। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 8081 हुए थे, यानी कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 रुपए लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी। जिन बच्चों ने 30 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल कराया था उन बच्चों का एडमिशन हो चुका है। उसके बाद अब बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो यहाँ आप देख पाओगे कि साइंस स्ट्रीम में भी लगभग 8 के बराबर ही सीटें हैं, एक सीट ज्यादा है साइंस स्ट्रीम के अंदर। 8023 सीटें यहाँ साइंस स्ट्रीम में रखी गई हैं, जिसमें से 4087 सीटें भरी जा चुकी हैं और इसके लिए 5000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने जो डाटा हमें दिखाया है इस डाटे के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी सीटें हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी और हमें आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएड के लिए ओवरऑल सीटों की मैं बात करूं तो यहाँ 17035 के आसपास सीटें हैं, जिनमें से 11812 एडमिशन हो चुके हैं। लगभग 5223 सीटें खाली हैं, 5223। ये आप लोगों को साइंस स्ट्रीम के, आर्ट स्ट्रीम के, आप किसी स्ट्रीम के बच्चे हो कन्वर्ट हो सकते हैं, एडमिशन आप लोगों का हो जाएगा, कोई घबराने का इश्यू नहीं है। बट कहने की बात यह है कि 126 के आसपास कॉलेजेस है, प्रत्येक कॉलेज का आंकड़ा निकाल के देखा जाए तो 25-30 के आसपास सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग सभी कॉलेजों में सीटें खाली हो, क्योंकि जो 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी उसके बाद जिन बच्चों ने कॉलेजों से संपर्क किए, कंसल्टेंट से संपर्क किए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, और कंसल्टेंट ने भी कहीं ना कहीं बच्चों के एडमिशन की कॉलेज में बात कर रखी है कि भाई हम आपका इस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, कॉलेज से बात करके 20 सीट 25 सीट जो भी उनके उचित लगता था उस हिसाब से उन्होंने अपनी बुकिंग कर रखी है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, यदि आप हरियाणा से अपना बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो बेहिचक होके कर सकते हैं, पैसे की तरफ ना देखें, या तो साल बचाएं या पैसा बचाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में एडमिशन जो हुए थे वो लगभग 80,000 के आसपास हुए थे। एक्चुअल में जो फीस होती है वो 44,000 फर्स्ट ईयर की, 44,000 सेकेंड ईयर की, 88,000 रुपए प्लस 10,000 के आसपास एग्जाम चार्ज होता है, तो 98,000 के आसपास दोनों साल की फीस होती है। कॉलेज अपनी सीटें जल्दी भरने के चक्कर में कम फीस में एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं, तो लगभग लगभग 80-82 हज़ार के आसपास एडमिशन स्टार्ट हुए थे, जो कि अब 90-92 हज़ार तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी बेहिचक होकर एडमिशन ले ले, पैसे की तरफ ना देखें। 2-4-5 हज़ार रुपए ज्यादा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप लोगों को रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के अंडर में एडमिशन मिल रहा है। और लेट होने का रीजन केवल यही है कि राजस्थान के अंदर बच्चों ने अपना प्री का एग्जाम दिया था, प्री का एग्जाम देने के बाद वो बच्चे कंटिन्यू मतलब की कोशिश कर रहे थे,
कि भाई जैसे तैसे करके हम काउंसलिंग करा रहे हैं और उन काउंसलिंग के दौरान हमारा एडमिशन कैसे भी करके राजस्थान में हो जाए ताकि हमें बाहर स्टेट में ना जाना पड़े। उनकी काउंसलिंग हो चुकी है लगभग लगभग, और मेरा जहां तक एक दो साथियों से बात हुई थी उनके अकॉर्डिंग बताना है कि सर 5 दिसंबर को हमारी अंतिम लिस्ट आने वाली है, 5 या 6 दिसंबर का नाम था, अंतिम लिस्ट आएगी, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। तो 5 और 6 दिसंबर के बाद ये बच्चे एडमिशन के लिए इधर उधर अपना थोड़ा कोशिश करेंगे कि भाई हरियाणा में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो अदर स्टेट में हमारा जैसे तैसे करके एडमिशन हो जाए। तो साथियों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साल बचा लो और 2-4 हजार रुपए का लोभ लालच बिल्कुल भी ना करें। अनसिटी शेफर्ड कॉलेज है और आप लोगों को इसका जरूर कभी ना कभी फायदा होगा, क्योंकि आप कभी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे और यदि आपने बीएड का कोर्स कर रखा है वहां इन्होंने बीएड को कंपलसरी करने के बाद ही आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो आप लोगों को इस चीज का लाभ होने वाला है। फिलहाल की आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। यदि अपडेट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी आ रही है या फिर आपको एडमिशन के लिए कॉलेजों के नाम सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क करिएगा, वो आपको कॉलेजों के नाम भी बता देंगे और आपका एडमिशन कराने में भी आपकी पूरी पूरी हेल्प पे